काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुई आत्मघाती हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन ISIS को माना जा रहा है। इसमें 13 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दूसरे धमाके में एयरपोर्ट के गेट के बाहर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही तालिबान ने एयरपोर्ट के बाहर से ISIS के 4 आतंकियों को रेकी करते हुए पकड़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान में अब नई जंग शुरू हो गई है। बिहार के पूर्णिया, रक्सौल और मुजफ्फरपुर में नए एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CM नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। बिहार को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात जल्द ही मिल सकती है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। नीतीश द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बाद एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अफगानिस्तान के काबुल में आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। एयरपोर्ट के नजदीक मौजूद एक व्यक्ति ने स्काई न्यूज को बताया कि हमलावर ने भीड़ के बीच में पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए ही आया हो। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसके बाद उठा धूल का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ नजर आ रहा था। नेपाल के बीरगंज स्थित स्टील फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इसमें 10 भारतीय सहित 12 लोग घायल हुए हैं। 7 घायलों की हालत गंभीर है। विस्फोट MS स्टील लगाने वाले बॉयलर में हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायल उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले। देशभर में जहां कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है, वहीं अचानक केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को मुंबई के सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल के 15 छात्र संक्रमित पाए गए, वहीं 7 अन्य भी वायरस की चपेट में हैं। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में स्थित सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल में कुल 95 लोगों का टेस्ट किया गया था। 22 बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। देशभर में जहां कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है, वहीं अचानक केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को मुंबई के सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल के 15 छात्र संक्रमित पाए गए, वहीं 7 अन्य भी वायरस की चपेट में हैं। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में स्थित सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल में कुल 95 लोगों का टेस्ट किया गया था। 22 बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। बिहार के पूर्णिया, रक्सौल और मुजफ्फरपुर में नए एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CM नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। बिहार को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात जल्द ही मिल सकती है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। नीतीश द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बाद एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। We'll be right back.